अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया फैसल। अगर आप एक्नी स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स जैसे मसलों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपकी इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होने वाली है। आपने जस्ट 7 डेज रेगुलर होकर इस रेमेडी को यूज़ करना है एंड देन 7 डे बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा क्लियर हो गई है। यूँ तो देखा जाए सबकी स्किन अलग होती है, हर एक की स्किन का टेक्स्चर अलग होता है, दिखने में अलग होती है, तो हर प्रोडक्ट हर एक की स्किन पर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। बट इस रेमेडी का बेनिफिट आप सबको मिलेगा, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, बट हर एक को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपके डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, एक्नी स्कार्स या पिगमेंटेशन जो भी आपके फेस पे हुई हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट प्रोवाइडेड दैट कि आपने इसे रेगुलर होकर यूज़ करना है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी मेडिकल क्रीम्स, बहुत सारे ऐसे मेडिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं, बट उनके साथ आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ जाते हैं। सो इसीलिए नेचुरल इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा नेचुरल सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे आपके एक्नी स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स सब आपकी स्किन से दूर हो जाएंगे। इस रेमेडी की प्रिपरेशन से पहले आप फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना। तो चलते हैं जल्दी से हमारी रेमेडी को बनाने की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जिन इन्ग्रीडियंट्स की नीड होगी वो हैं बेसन, लेमन, रोज़ वाटर एंड सैंडलवुड पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सैंडलवुड पाउडर आप किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे जाएं, इजीली वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर जो पंसारी की शॉप्स होती हैं आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो होम्योपैथिक टाइप शॉप्स होती हैं मार्केट में वहाँ से आपको ये इजीली अवेलेबल होगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स एंड ब्लैक स्पॉट्स को दूर कर देती हैं। बेसन से स्किन का कलर लाइट होता है, बेसन आपके स्किन टेक्सचर ऑयल को रिमूव कर देता है, स्किन क्लियर होने के साथ साथ सन टैन को भी रिमूव कर देता है। ये एक तरह का एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो कि डेड स्किन सेल को आपकी स्किन से रिमूव कर देता है। सैंडलवुड पाउडर एक तरह का क्लिंजिंग एजेंट है जो कि आपकी स्किन से डर्ट को ईजिली रिमूव कर देता है। इससे स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट्स या आपके जो डार्क सर्कल्स बने हुए वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। रोज़ वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने का काम करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देता है एंड पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। लेमन में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है जो कि हमारी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेमन एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट भी होता है जो कि आपके डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स एंड एक्नी स्कार्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आप इन सारी चीज़ों को एक बाउल में कलेक्ट कर लें। 1 टेबल स्पून बेसन ले लें, 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर, 1 टेबल स्पून सैंडल, 1/2 टेबल स्पून लेमन को, इन सबको लेके एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लें। बहुत अच्छे से इनको मिक्सअप करके पेस्ट बना लें और उसे अपने फेस पर अप्लाई कर लें। 15 से 20 मिनट के लिए उसे अपने फेस पर रहने दें। उसके बाद अपने फेस पर इनको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए रिमूव करें एंड नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। जब हम इस रेमेडी को अपने फेस पे रब करके रिमूव करते हैं तो जो हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। साथ ही साथ इन सारे रेमेडीज़ में जितनी भी गुडनेस होती है वो हमारे स्किन में आसानी से पेनिट्रेट हो पाती है। आपको ये रेमेडी 7 डेज़ के लिए यूज़ करनी है। 7 डेज़ बिल्कुल रेगुलर होकर यूज़ करना है। हम कोई भी रेमेडी देख तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, बट उसे रेगुलर होकर यूज़ नहीं कर पाते। आपने इसे रेगुलर होकर यूज़ करना है, उसके बाद आप अपनी स्किन पर इसके मैजिकल रिजल्ट देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइटन अप हो चुकी है। आपकी स्किन पर जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, या फिर पिगमेंटेशन हो चुकी है, या फिर इवन कि आपके डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी रिमूव हो जाए। इसके अलावा अगर आपने कोई फेस से रिलेटेड रेमेडी देखनी है तो इससे पहले मैं अपने चैनल पे पिंपल एंड एक्नी रिमूव करने की बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बता चुकी हूँ, और इसमें मैंने एक सब मेडिकल ट्यूब भी बताया है जो कि बहुत अच्छा है एक ही दिन में जस्ट आपके पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी मेरे चैनल पर जाएँ और मेरे इस वीडियो को देखें। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।